पर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात बीजेपी सासाराम और बिहार शरीफ में राम नवमी के दौरान हिंसा के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को घेरने में जुटी है। बीजेपी इस पूरे मामले में सरकार पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगा रही है। इन्हीं आरोपों के बीच बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा आज बिहार शरीफ पहुंच रहे हैं। दोनों नेता बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होंगे और इसके बाद सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा श्री मणि राम अखाड़ा जाएंगे। यहां पर राम नवमी रथ पर सवार श्री राम दरबार का पूजन करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता राम नवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा में मारे गए गुलशन कुमार के घर भी जाएंगे। जिला प्रशासन ने बिहार शरीफ में किसी तरह के धार्मिक या सियासी जुलूस पर रोक लगा रखा है। इधर बीजेपी ने कहा है कि इस दरमियान अगर प्रशासन उन्हें रोकता है तो वो धरना भी देंगे। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रामनवमी जुलूस के बाद हिंसा पर जो सियासत है वो लगातार हो रही है, इसी बीच ये दौरा काफी अहम हो जाता है। हमारे साथ है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और आज बिहार शरीफ में बड़ा कार्यक्रम और साथ ही साथ इससे पहले सासाराम में वहां पे धरना प्रदर्शन का दौर चला, नेता प्रतिपक्ष भी साथ में होंगे, किस तरीके की क्या कुछ बात है जानते हैं। बिहार शरीफ का दौरा है आज, तो किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश है, क्या कुछ वजह है? नहीं देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर हुआ उसका मूल कारण मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी तुष्टिकरण के चक्कर में फोर्स ही नहीं लगाए। आज भी वही स्थिति है पूरे बिहार की। नीतीश बाबू अब बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत कुछ उनके खिलाफ बोलने लायक बचा नहीं है, लेकिन नालंदा जैसे जिले में जहाँ उनका घर हो वहाँ फोर्स नहीं लगाया जा रहा है और वहाँ अराजकता की स्थिति बन गई और पूजा भी अब इस प्रदेश में लोग नहीं कर सकता, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। नीतीश बाबू अब निरी प्राणी हो गए हैं, अब उनके खिलाफ भी बोलने में हम लोग को खराब लगता है। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है और घटक दल भी महागठबंधन के कह रहे हैं कि वो कार्रवाई की बात कर रहे थे और जब कार्रवाई की जा रही है लोग चिन्हित करके गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो फिर उस पर वो राजनीति कर रहे हैं और उन्हें परेशानी हो रही है। देखिए 48 घंटे में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि भाजपा के लोगों ने इस पर कार्रवाई करवाया है, तो मुख्यमंत्री जब कहता हो जाँच करने के एक महीने के बाद कोई गिरफ्तारी होती हो, कोई भी होम मिनिस्टर बन जाए और वो एंगल दे दे किसी पे कार्रवाई करनी है तो बचता क्या है। ये पूरी तरह नीतीश कुमार जी तुष्टिकरण में लगे हैं, इनका कुछ होना नहीं है, अब इनको नालंदा ही जाना है, एकदम कन्फर्म, इसलिए मैं भी नालंदा जा रहा हूँ। नालंदा बिहार शरीफ की बात करें वैसे तो सामान्य स्थिति है, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी धार्मिक सभा जुलूस और इस तरह की बातों पे 144 धारा लागू है, तो इसको लेकर जो अब जा रहे हैं वहाँ पे, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जानबूझकर स्थिति खराब करने की। स्वाभाविक है, हम लोग जाएंगे तो 144 है, जदयू के सांसद मंत्री घूमेंगे 144 नहीं रहता है, यही तो है तुष्टिकरण। तुष्टिकरण नीतीश बाबू मत कीजिए। नीतीश कुमार की सरकार और जनता दल यूनाइटेड कहती है कि 144 लगा ही नहीं, आज भी यदि सवा महीने के बाद 144 ही है तो शर्म तो नीतीश कुमार की सरकार को करना चाहिए। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और एक प्रतिनिधि मंडल इनके नेतृत्व में बिहार शरीफ का दौरा कर रही है और वहां पे जाकर जिस तरीके से वस्तु स्थिति है और जो कार्यक्रम है उसके तहत वहां पे पहुंचेंगे और इस पूरे मसले पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं और अपनी ओर से बातों को रख रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। रामनवमी हिंसा को लेकर बीजेपी की सियासत पर बिहार की राजनीति गर्मा गई। महागठबंधन ने जहां बीजेपी पर इस दौरे को लेकर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने सरकार पर इस तरह के मामलों को दबाने का आरोप लगाया। जहां उपद्रवियों ने उपद्रव मचाए, चाहे सासाराम हो चाहे बिहार शरीफ हो, पुलिस ने प्रशासन ने अपना काम किया, कानून जो तोड़ेगा, उपद्रव फैलाएगा, दंगा कराने का प्रयास करेगा उस पर कानून अपना काम करेगा। और बीजेपी चाहती है ऐसे ही मुद्दों को हवा देना, इनके पास तो मुद्दा है नहीं, तो जो भी धरना दे,
जो भी करें अब धरना ही देते रहेंगे, और कोई कानून गड़बड़ किया, कोई अगर गड़बड़ी फैलाने का प्रयास किया तो सारे फिर सलाखों के पीछे भी होंगे। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच की बात कही जा रही थी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिल रही थी, इस बीच ये दौरा कितना अहम हो जाता है? सीधे तौर पे जान लेते हैं, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा है। कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा, चूंकि आरोप प्रत्यारोप है और साथ ही साथ जो घटक दल है गठबंधन के, वो सीधा सीधा आपके इस दौरे को निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, मैं तो सामाजिक सद्भाव बनाने जा रहा हूँ। बहुसंख्यकों की आस्था पर जो चोट लगा है, निर्दोष को जो फंसाया गया है, और जो रामनवमी शोभा यात्रा के रथ को रोक कर रखा गया, आज पूर्णिमासी का दिन है, वैशाख माह का आज अंतिम दिन है वहाँ पहुँचाने का, हम उसी के लिए जा रहे हैं। और लोगों को अगर जो बहुसंख्यकों को, हिंदुओं को अपमानित करके, उसके आस्था पर चोट पहुंचा करके, तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी राजनीति चमकानी हो, सत्ता प्राप्त करनी हो, तो ऐसे मानसिकता का हम लोग विरोध करते हैं। विजय जी, आप जिसे तुष्टीकरण की राजनीति कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब ऐसा कोई अराजक स्थिति होता है, सख्ती के साथ कार्रवाई होती है, तो फिर बीजेपी के पेट में दर्द होता है और अनर्गल वो आरोप लगाते हैं। ये सख्ती के साथ कार्रवाई है कि मुख्यमंत्री अभी तक वहाँ एक दिन पहुँचे तक नहीं है, उनका गृह जिला है, मैं तो दो बार हो गया, ये तीसरा बार जा रहा हूँ, लोगों से जाके मिलते, अपील करते, सच को जानते कि किस तरह से मस्जिद से गोली चला करके उस लड़के की हत्या की गई, और जिसको बजरंग दल के नाम पर पकड़ा गया है, उसको सरकार ने परमिशन दिया था, उसका कोई दोष नहीं, उसके घर में जा करके हमने देखा था किस तरह से उसके घर के अंदर माता रो रो कर करके बोल रही थी, साला लाइव हम किया था। तो आज क्या वहाँ पे पूजा अर्चना का कार्यक्रम है या क्या कुछ प्रायोजन है? देखिए, हम लोग बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, हम लोग दोनों जा रहे हैं, बात कर लेते हैं। एक आखिरी बात है, जिस तरीके से ये पूरी वस्तु स्थिति है वहाँ पे, ये है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन कोई अगर धार्मिक जुलूस हो, सभा हो, तो फिर 144 की बात होती है, तो इसको कैसे आप इस बीच में पहुँच रहे हैं? देखिए, सरकार अपनी खामी, कमजोरी, कमी को छुपाने के लिए बम विस्फोट होता है, उसको दबाने के लिए PFI को NIA से जांच नहीं कराने देने का, उसके नाम पर भाजपा और संघ के तरफ पूरी डायरेक्शन को मोड़ देना, अपने को बचाने के लिए अगले को बदनाम करना, ये सब को उजागर करना पब्लिक के बीच में, प्रतिपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी है, और सच को लोगों को दिखाना भी, बताना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जो स्पष्ट बता रहे हैं कि वो अपने जो उनके विपक्ष के कार्य है, सरकार को जगाना, उन्हें आगाह करना, इस बाबत वो बिहार शरीफ पहुंच रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो वहां पे पहुंचेंगे, साथ ही साथ बड़ी संख्या में इनके समर्थक हैं, पहले ही जो जिला स्तर के तमाम नेता और पदाधिकारी हैं बिहार शरीफ में वो मौजूद हैं। तो आज वहां पे एक बैठक भी होगी सर्किट हाउस में, इसके बाद जो चर्चा और विचार विमर्श मंथन होगा, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पे बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जिसे संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर श्री मणिराम अखाड़ा पहुंचेंगे जहां पे श्रीराम दरबार पे पूजा अर्चना की बात है, और जो वस्तु स्थिति है, क्या कुछ हकीकत है, साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके घर भी पहुंचकर वहां पे उनके घर के लोगों से जो हालात हैं, और साथ ही साथ मिजाज कुर्सी और तमाम सारी बातें, और इस बीच जो ये दौरा है बीजेपी का सासाराम के बाद अब बिहार शरीफ का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और प्रशासन की तो नज़र है ही है, लेकिन जो सत्ता पक्ष में घटक दल है महागठबंधन के, वो इन तमाम बातों को लेकर निशाना साधते हुए एक खास रंग देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, ऐसा आरोप जो है वो भी लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कुछ इस तरह की बातें होती हैं या किसी भी तरह की कोई बात होती है तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। जी बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि दौरा काफी महत्वपूर्ण है, शुक्रिया आपका। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, चलिए आपको सुनवाते। किसी को भी कहीं आने जाने का, किसी से मिलने का या फिर अपने आस्था के अनुरूप आचरण करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस देश के संविधान ने किसी को ये अधिकार नहीं दिया है कि देश के फैटर्निटी और कॉम्युनल हार्मोनी के साथ कोई छेड़छाड़ करे और उसे खंडित करने का प्रयास करे। अगर कोई भी ऐसा दुस्साहस करता है तो फिर कानून अपना काम करेगा,
विगत दिनों हम लोगों ने देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के पूर्व विधायक सासाराम हिंसा में वो अभियुक्त है, उनकी गिरफ्तारी हुई कोर्ट के आदेश के बाद, जिसके पक्ष में वो धरने पर वो बैठे हुए थे। जो जवाहर प्रसाद वो आदतन अपराधी है और सो मेनी केसेस में चार्जशीटेड है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में डेलिबरेटली कानून और व्यवस्था की स्थिति को डिस्टर्ब करना चाहती है। सबसे ज्यादा दुखद बात तो यह है कि एक राजनीतिक दल जिसके ऊपर समाज और राज्य को आगे ले जाने की तथाकथित जिम्मेवारी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अपने ही राज्य में जानबूझ करके कानून और व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। दल के पार्टी के प्रमुख और नेता का विषय होता है कि वो जनता के किसी विषय को जानकारी लेने के लिए कहीं भी जा सकता है। नीतीश कुमार हमेशा अपनी कमियों को छिपाने के लिए जाने जाते हैं और आज जब उनके गृह जिले का पोल खुलने की बारी आई है तो उनके अंदर बेचैनी है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, सच्चाई को बहुत दिन तक आप छुपा नहीं सकते हैं और जिस प्रकार से आपने तुष्टिकरण की राजनीति के तहत हमेशा हिंदुओं पर लगातार शोषण कराया अपने प्रशासन शासन की व्यवस्था से, और जब जब रामनवमी के दंगे हुए, रामनवमी में जब ईंटा पत्थर चला, आपने ताकत से उसको दबाया और कुछ लोगों को बचाया है।